कि अंधेरा और उजला साथ रह सकता है। सच है कि आज हम बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब की जय जयकार करते हैं, वाल्मीकि जी की जय जयकार करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा उसको हमें अपने जीवन में नहीं अनुसरण करते हैं तो ऐसे कैसे समाज बदलेगा। क्योंकि अगर बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब ने तो बहुत कुछ कहा है, और एक तरफ उन पाखंडों को साथ लेके चलेंगे हमारे समाज में देखें, चाहे किसी भी समाज में, दलित समाज में कई कम्युनिटी आती हैं, तो संगठन तो हजारों हैं, लाखों में संगठन हैं, लेकिन जब कार्य करते हैं तो जय भीम साथियों, मैं हूं ब्रजमोहन मौर्य और आप देख रहे हैं जनता आवाज। इस वक्त हूं मैं तुगलकाबाद में लाल कुआं एरिया में। यहां पर वाल्मीकि समाज द्वारा सामाजिक जागरूकता के लिए बहुत ही भव्य प्रोग्राम कराया जा रहा है, तो उस समिति के कुछ कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं विभिन्न प्रदेशों से, तो उनसे ही जानना चाहेंगे कि समिति का, इस सोसाइटी का कार्य क्या है और ये कार्यक्रम कराने का उद्देश्य क्या है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहरपाल चंदेलिया है, उर्फ जो है बाबा महर शाह जी। मैं वाल्मीकि हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के जो कुरीतियाँ हैं वो निकलें, हमारे समाज की जो गरीबी है वो दूर हटे, हमारे समाज का विकास हो और हमारे समाज में अच्छी नीतियों का प्रयोग हो। धन्यवाद। क्या रूपरेखा बनाई है, जो आयोजन किया गया है उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद के माध्यम से ये जो मीटिंग हो रही है ये हमने ही बुलाई है, और यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं विजेंद्र चौहान जी, और बाबा हरपाल नाथ जी उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और दिल्ली प्रदेश से मोहित जी अध्यक्ष जी, वो सभी हमने बुलाए हैं। और यहाँ जो है बहुत गरीब जनता रहती है, उनके विकास के लिए, उनकी देखरेख के लिए, उनको अच्छा प्रयोग करने के लिए हमने बुलाया है यहाँ। और ये एडवोकेट गौतम जी हैं जो हरियाणा राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं समिति के। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर क्या लगता है, इस समाज में इस तरह के आयोजनों से बदलाव हो सकता है? डेफिनेटली ये हमारी परिषद है, ये बहुत ही पुरानी परिषद है और इसमें समाज के लिए बहुत ही क्रांतिकारी काम करे हैं, और आज ये जो लाल कुआं पर जो प्रोग्राम हो रहा है ये हमारी संस्था का चुनाव होने जा रहा है इसमें, और इसमें अच्छे लोगों को जोड़कर हम इसमें एक गति देने का काम करेंगे और अच्छी तरह से लोगों का चुनाव कराएंगे, अच्छे लोग इसमें सामने आए। कुछ चुनौतियां भी सामने आई होंगी, इस तरह के आयोजन करते हैं तो क्या समस्याएं आपको देखने के लिए मिलती हैं? नहीं, हमारा ऐसा, हमारा किसी राजनीतिक उससे हमारा कोई लेना नहीं है, सामाजिक संस्था है और समाज के लिए ये काम करती है, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए काम करती है। संस्था पूरे भारत की एक बहुत बड़ी संस्था है जो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। तो सर समस्या यही आती है कि आज हमारे समाज में देखें, चाहे किसी भी समाज में, दलित समाज में कई कम्युनिटी आती हैं, तो संगठन तो हजारों हैं, लाखों में संगठन हैं, लेकिन जब कार्य करते हैं तो कुछ तो नाम के ही रह जाते हैं संगठन, कुछ कागजों में रह जाते हैं, तो जमीनी स्तर पर जो बदलाव होगा वो काम करने में कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं। जैसे अभी यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, हालांकि संख्या ठीक ठाक है लेकिन जो बस्ती है उसके हिसाब से लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं, तो क्या कुछ कहोगे इस बारे में? देखिए, अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद बहुत पुरानी संस्था है, यदि ऐसे तो सैकड़ों संस्थाएं बनती हैं और वो सिर्फ कागजों में ही रहकर रह जाती हैं, लेकिन यदि ये संस्था काम नहीं करती, समाज के साथ जुड़ती नहीं और समाज के लिए काम नहीं करती, तो इतने लंबे समय तक ये संस्था सर्वाइव नहीं करती। आज ये संस्था पूरे देश में काम कर रही है और इस संस्था को मजबूती से काम करने के लिए हम हर प्रदेश स्तर पर काम कर रहे हैं और अच्छे लोगों को संस्था के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, और इसमें हमारे साथ कभी भी किसी भी समाज को लेकर के, अन्य समाज को लेकर के हम इस तरह का कोई भी हमारे। आपने कहा कि मतलब गैर राजनीतिक संगठन है, गैर राजनीतिक परिषद है, तो कैसे बदलाव करेंगे बिना राजनीति के? क्योंकि जो हमारे महापुरुष हैं कई, उन्होंने कहा है कि राजनीति से ही संभव है समाज का बदलाव, अब बिना राजनीति कैसे हो सकता है? देखिए, बाबा साहेब ने कहा था कि सबसे पहले हमें तीन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहले शिक्षा, फिर संगठित होना और फिर संघर्ष करना। सबसे पहले हम शिक्षा की ओर ही अपने समाज के लोगों को हम अग्रसर करने के लिए कोशिश करते हैं कि हमारा समाज शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, हम शिक्षा को लेकर काम करते हैं, हम संगठित करते हैं लोगों को, अपने संस्था के माध्यम से संगठित करने का हम कोशिश कर रहे हैं, और संघर्ष जो है राजनीति के लिए संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इन दो मुद्दों पर
अपनी मजबूती से काम नहीं करेंगे, तीसरे मुद्दे पर हम तब तक सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी समाज क्या पाखंडवाद के नाम पर इकट्ठा हो जाता है, कोई पाखंडी आयोजन होता तो यहाँ पर पब्लिक नहीं आती। चाहे मैं व्यक्तिगत किसी सभी धर्मों को, सभी लोग अपने अपने धर्म का मतलब मानना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगा कि अगर पाखंड का कोई कार्यक्रम होता तो यहाँ पर जनता नहीं आती। आप समझ सकते हैं क्या पाखंड काम है, लेकिन एक जागरूकता का काम है, शिक्षा का काम है। अब शिक्षा वैसे ही तो आ ही नहीं जाएगी, शिक्षा के लिए लोगों को समझना पड़ेगा, अपने घर से बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा, केवल जो अपने पूर्वजों का जो काम है उसको छोड़कर कलम हाथ में उठानी पड़ेगी। इसके लिए क्या बदलाव करेंगे समाज में? यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। जब तक हम अपने समाज से पाखंडवाद को मिटाकर उखाड़कर नहीं फेंकेंगे, तब तक हमारे बच्चे, हमारा समाज शिक्षा के स्तर पर नहीं आ सकता। पाखंडवाद इस समाज की सबसे बड़ी जड़ है, जो जड़ समस्या है वो सबसे बड़ी पाखंडवाद है, और पाखंडवाद को मिटाने के लिए ये परिषद काम करेगी। चलो ठीक है, और भी हमारे साथ महाराज जी हैं सर, आप यहाँ पे गुरुजी, आप मतलब मंदिर में रहते हैं, तो एक बात बताइए महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अंधेरा और उजला साथ रह सकता है? नहीं, नहीं रह सकता ना। तो एक तरफ माफ करना, अगर गलत मैं कहूँ तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये कड़वा सच है कि आज हम बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब की जय जयकार करते हैं, वाल्मीकि जी की जय जयकार करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा उसको हमें अपने जीवन में नहीं अनुसरण करते हैं, तो ऐसे कैसे समाज बदलेगा? क्योंकि अगर बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब ने तो बहुत कुछ कहा है, और एक तरफ उन पाखंडों को साथ लेके चलेंगे तो समाज में कैसे बदलाव? देखिए, पाखंडों से तो रहित रहना पड़ेगा हमें, और जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ पाखंड के रहित ही बात करेंगे, और पाखंड को समाज से निकालेंगे, और जो कुरीतियाँ हमारे समाज में फैली है उनको ज़्यादा से ज़्यादा दूर करते जाएंगे हम। और हमारी संस्था जितनी भी है वो सभी इस कार्य में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों, संगठित हों और संघर्ष करें अपने हक के लिए। तो साथ ही ये थे हम लाल कुआं पर, आप देखते रहिए जनता आवाज़, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।